हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू द स्टार्टिंग माय न्यू व्लॉग। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट रोड पे ही स्टार्ट कर दिया मैंने व्लॉग, क्योंकि भाई काफ़ी लेट हो चुका है, लगभग बज रहा है 12 और मेरा लैपटॉप थोड़ा सा कर रहा था इशू, तो इस वजह से जो है हम कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे थे। तो अभी हम जा रहे हैं RT-PCR करवाने के लिए, क्योंकि आज ही मुझे निकलना है रात को मुंबई के लिए, तो RT-PCR होना बहुत ज़रूरी है, वरना पता चला RT-PCR करा के नहीं जाएंगे, फिर वहाँ पे कराएंगे तो 2 दिन के लिए तो भाई क्वारंटाइन हो जाएंगे, तो वो तो अपने को रिस्क लेना नहीं है। यहाँ से जाएंगे RT-PCR करा करके, फिर वहाँ पे दोबारा जाते ही फिर करवा लेंगे। वैसे मेरे पास 15 तारीख तक का रहेगा, अगर आज मैं करा रहा हूँ तो 4 दिन का RT-PCR वैलिड होता है। 4 दिन का होता है भाई, 3 दिन का होता है, 3 दिन के लिए होता है वैलिड, तो 3 दिन का तो रहेगा 12, 13, 14 तक रहेगा, तो 14 को मैं फिर करा लूँगा, तो फिर 16 को आ जाएगा मेरे पास वापस, मतलब 15 को आ जाएगा, तो फिर जब तक मैं मुंबई में रहूँगा तो मेरे को कोई इशू नहीं होगा। और प्रिकॉशंस मैं पूरी लूँगा, क्योंकि भाई कोविड का सीन बहुत गंदा चल रहा है इसीलिए। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं RT-PCR करवाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। RT-PCR करवा के आ गया हूँ दोस्तों मैं, और अभी मैंने नहाया भी नहीं है, 4 बज रहा, आराम से जाकर नहाएंगे, क्योंकि भाई कल दिन भर ट्रेन में रहेंगे तो नहाने को पाएंगे नहीं इसीलिए। और मम्मी हमारी जो है, आज मम्मी को व्लॉग में देख लीजिए, फिर जो है 10 दिन के बाद ही आपको 10-12 दिन के बाद ही दिखेंगे ये व्लॉग में। और इधर ये Hello guys! ये जो है इधर भूरी के बच्चे और भूरी सब खेल खेल कूद रहे हैं, ये ब्लैक वाली जो है ना, ये ब्लैक वाली भाई साहब बहुत मटर गस्ती है इसके में, बहुत कायदे से मस्ती करती है ये। अभी दोस्तों एक्चुअली मुझे अचानक निकलना पड़ रहा है केसर बाग के लिए, और उससे पहले मुझे एक काम और निपटाना है। मेरे ताऊ जी का कज़न, मतलब मेरा कज़न ब्रदर, मेरा ताऊ जी का बेटा, वो आया है शनि मंदिर तक डेली बाग चौराहे पे। मैंने कुछ मास्क का पैकेट मंगवाया था, एक्चुअली मैं वो जिस जगह जॉब करता है वो सर्जिकल वाला ही उसका है पूरा, मतलब कि डायरेक्ट मतलब होलसेल का मेरे ख्याल से उसका कुछ काम आना है, तो सही प्राइस में मुझे मिल गया है, तो वो घर पे आया नहीं, और जो है मैंने उसके लिए यहीं पे उसको बुलवा लिया है, और मैं यहाँ से ले करके अब जाऊँगा। यार यहाँ पे पता है, यहाँ पे शनि मंदिर बहुत जाम लगा रहता है, ये देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा ट्रैफिक है फालतू का एकदम, वो यहाँ मैं अभी ले करके मुझे हाँ अचानक जाना पड़ रहा है। मेरा मीडिया कार्ड जो है वो मेरे पास नहीं है, तो रिन्यू होने के लिए गया था, बहुत टाइम हो गया था, तो आज ही मिल भी गया, मैंने कॉल किया तो मुझे मिल गया मीडिया कार्ड मेरा, तो अभी मुझे बस खाली कलेक्ट करने जाना है, और वो रहेगा तो भाई ठीक रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस मीडिया में हूँ, अभी थोड़ा सा उससे मिल लूँ ना, फिर मैं आपको रास्ते में बताता हूँ कि मैं कौन से मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने पत्रकारिता भी थोड़ी बहुत करता रहता हूँ, तो मिलता हूँ तो फिर बताता हूँ। कब निकल रहे भैया? आज ही निकल रहा हूँ। हाँ ले लिया GoPro तुमने भी? हाँ GoPro ले लिया है भाई मैंने, ठीक है इनसे मिलिए। ये है हमारे भाई कृष्णा, ये भी राइडर हैं, ये तो लद्दाख अद्दाख कंप्लीट करके आए हैं जस्ट, अभी अंधेरा दिख रहा है इसलिए वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी उसके बारे में बताया है, उसका कृष्ण नेशंस के नाम से उसका भी चैनल है, लेकिन वो उतना अभी चैनल के लिए वो उतना रेडी नहीं है, मतलब उतना वो वीडियो वगैरह अभी डाल नहीं पाता, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिल पाता है एडिटिंग के लिए, जॉब वगैरह सारी चीज़ें। भाई अपना क्या है ना, अपने वेले हाँ मैं जा रहा था, हाँ मीडिया मैं बता रहा था आपको कि मैं कौन सी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक्चुअली में एक मैगज़ीन है लगभग 20 साल पुरानी, लोक सेवा ब्यूरो मैगज़ीन का नाम है हमारी, मैं उसी से ही जुड़ा हुआ हूँ, और मैं उसी में ही पत्रकारिता वगैरह थोड़ा मोड़ा करता रहता हूँ, जिससे कि मेरे को अपना सारी चीज़ें एक्स्ट्रा अर्निंग भी होती रहे और सारी चीज़ें अपनी। मेरे पास 2 घंटा बचा है और मुझे 7:30 बजे तक घर पहुँच जाना चाहिए था, और मैं घर पहुँचूँगा, खाना खाऊँगा और तुरंत भागूँगा बस पटाख से, क्योंकि अब लेट हो रहा है और केसर बाग में आप ट्रैफिक जानते ही कितना बुरा होता है, जो लोग लखनऊ में रहते हैं वो लोग जानते हैं केसर बाग का ट्रैफिक बहुत ही गंदा ट्रैफिक है भाई। मैं उल्टी सीधी अब गाड़ी चला करके
कैसे कैसे निकालूंगा बस खाली। अच्छा मैं अपनी बाइक नहीं लेके आया, मैं स्कूटी ही लेके आया हूँ। स्कूटर लेके आने का फ़ायदा ये है ना कि मैं भाई गेयर वेयर का झंझट खत्म, फटाफट घुमाते घुमाते निकाल ले जाएंगे। लगभग 8 बजे, अभी मैंने शाम को 4 ही बजे के आसपास लंच किया था, लेकिन फिर भी मुझे मैंने ना खा लूँगा। अब रात में फिर कौन कहते जो है ले करके जाएगा बांध बूंद के, क्योंकि बांध बूंद के साथ सीन मेरे को समझ में नहीं आता भाई खाने का। मतलब रात में जाके सोना ही है, थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करूँगा तो सोना है, तो फ़ायदा क्या है। इसीलिए जो है तो हम फटाफट ले करके निकल लिए। पता है जब जाना होता है ना तभी कुछ ना कुछ सारी चीज़ें याद आती रहती हैं, ऐसे सारी चीज़ें नहीं याद आएंगी। जिस दिन जाना होगा उसी दिन सारी चीज़ें याद आएंगी। ये दिन मैंने अक्सर देखा करते हैं जो है, मेरे साथ अक्सर होता है ये चीज़ कि सारी चीज़ें जो है एन मौके पे ही मुझे चीज़ें जो है याद आती है। जब ट्रैवलिंग का टाइम होगा, पैकिंग भी आज ही मैंने करी, ये नहीं कि 2 दिन पहले ही करके मैं रख लेता। लेट लतीफ मैं खुद ही हूँ ना। बाय बाबा। कहाँ है, निकला नहीं निकला? हाँ तो वायरल हो जाओगे, तो हो जाओ वायरल हो जाओगे। तो फिलहाल अभी हमारा सफर हो चुका है स्टार्ट, और भाई लोग जा रहे हैं छोड़ने के लिए स्टेशन तक। बड़ी छोड़ के है, हाँ ऑफिस छोड़ के भाई जा रहा है। लॉगिन बैठा हुआ और कहते हैं ऑफिस छोड़ करके जो है मुझे जा रहा है छोड़ने के लिए भाई। लेकिन पता है सुन, मैं भी तेरे को 5 बजे सुबह गया हूँ छोड़ने, ठंडी में ऑफिस तो नहीं सो रहा था मैं, नींद खराब करके गया था मैं अपनी। भाई बहुत बाल बाल बचे हैं आज, बहुत मुश्किल से जो है ट्रेन पकड़ पाए, वरना हो जाती बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। ट्रेन छूट जाती तो भाग करके पकड़े ना, पसीना पसीना हो गया, हालत ख़राब हो गई एकदम। बहुत बुरी कंडीशन है इस समय भाई, लोगों को सही से बाय भी नहीं कर पाए। फिलहाल लॉक तो देख ही रहे हो गए, थैंक यू सो मच समर्थ छोड़ने के लिए। और भाई अब हमारा सफ़र हो चुका है शुरू, और मुलाकात होगी अब हमारी आपकी मुंबई में सीधे। आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पे करते हैं एंड, और मिलेंगे बहुत जल्द नए ब्लॉग में। अभी मैं पहुंच गया हूँ लखनऊ से निकल के, कानपुर सेंट्रल पहुंच गया हूँ। अब लोगों दिख रहा है मेरे पीछे, और टाइम हो रहा है 11। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट।